don't get off. ये कहानी शुरू होती है कनाडा की एक सिटी से जो कि नॉर्थ पोल पर, जहां पर पिछले 98 डेज से सूरज नहीं निकला था। चारों तरफ बस अंधेरा और ठंड थी और इन वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में जा चुके थे। साथ ही मौसम की इस कंडीशन की वजह से वहां के कुछ लोगों को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसमें लोग जोम्बी जैसा बिहेव करते हैं। वहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बेथ, और बेथ जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ के सभी लोग उस बीमारी की वजह से जोम्बी बन चुके थे और उस कॉलोनी में बस बेथ ही अकेली रहती थी। गवर्नमेंट की तरफ से बेथ पेट्रोलिंग का काम करती है और अगर उसे कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन दिखाई देता है तो पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बता देती है, और उसके बाद में उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को हॉस्पिटल में रखा जाता है जहाँ पर सिर्फ इन्फेक्टेड लोग ही रहते थे। अगर बेथ की पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करें तो बेथ की माँ मरीना भी इन्फेक्टेड होकर मारी जा चुकी थी, और उसके बाद उसके फादर एरिक भी बेथ को छोड़कर कहीं पर भाग गए थे। तब से बेथ अपने फादर को सिटी की हर जगह पर ढूंढ रही है। अब हर दिन की तरह बेथ डे 98 को भी पेट्रोलिंग के लिए अपनी कार लेकर निकलती है और हर एक स्टेट की इन्फॉर्मेशन वो पुलिस कंट्रोल रूम में दे देती है। अचानक बेथ को एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है जो कि उसे देखकर बहुत ही अग्रेसिव बिहेव कर रहा था, लेकिन उसकी कार बंद थी तो इसलिए बेथ बिल्कुल सेफ थी। उस आदमी के बारे में बेथ पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देती है, और कुछ ही देर में वहां पर हॉस्पिटल की एक गाड़ी आती है। डेनिस नाम का एक एम्प्लॉय उस इन्फेक्टेड पर्सन को अपने साथ में ले जाने के लिए पकड़ लेता है। डेनिस से बेथ अपने फादर एरिक के बारे में पूछती है, लेकिन डेनिस ने एरिक को कहीं भी नहीं देखा था और ना ही वो उनके हॉस्पिटल में था। बेथ डेनिस को अपना नंबर देती है ताकि अगर उनको उसके फादर के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल करें। उसके बाद में बेथ अपने फ्रेंड स्टेला से मिलती है जो कि एक बार में काम करती है। बेथ स्टेला को अपनी माँ के बारे में बताती है, और हर रात को बेथ को अपनी माँ के बारे में अजीब अजीब सपने आते हैं। बेथ की बातों को सुनकर स्टेला उसे कुछ मेडिसिन लेने को कहती है जो कि नींद लाने में उसे हेल्प करेगी, और वो विटामिन डी का भी काम करती थी क्योंकि सूरज नहीं मिलने के कारण लोगों को विटामिन डी की कमी हो गई थी और उनके सोने का भी कोई ठीक टाइम नहीं था, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सभी को मेडिसिन लेने को कहा था। बेथ के अलावा वहाँ के सभी लोग ये मेडिसिन लेते थे। बेथ को लगता था कि ये मेडिसिन किसी काम की नहीं है, ये मेडिसिन ही लोगों को जोम्बी बना रही है, तो इसीलिए वो इस मेडिसिन से दूर रहती है। फिर उसी रात को बेथ जब सो रही थी तो उसे ऐसा सपना आता है कि वो किसी के साथ में इंटीमेट हो रही है और वो एक लैंप पोस्ट के पास में जा रही है। बेथ की जब आंखें खुलती है तो उसे इस सपने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद बेथ एक नाइट क्लब में जाती है जहाँ पर उसे तबीता नाम की एक लेडी मिलती है। दोनों में जल्दी दोस्ती हो जाती है और वो तबीता को अपने घर पर लेकर जाती है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को जब दोनों सो रहे थे तो बेथ को सपना आता है कि उसकी हमशक्ल लड़की तबीता की बॉडी से कुछ इनहेल करके उसे इन्फेक्ट कर रही है, और तब बेथ उसकी हमशक्ल लड़की को देखकर चिल्ला देती है, जिसके बाद में बेथ की नींद खुल जाती है। तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी था उसी पोजीशन में सो रही थी जिस पोजीशन में वो बेथ के सपने में सो रही थी। फिर अगले दिन भी तबीता अजीब बिहेव कर रही थी, साथ ही वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसे अंधेरे से नफरत हो रही थी। वो बार बार डार्कनेस और लैंप के बारे में बातें करे जा रही थी। तबीता को ऐसा देखकर बेथ उसे अपने घर से चले जाने को कहती है, तो इसलिए तबीता भी वहां से चली आती है। अब तबीता के जाने के बाद में बेथ को हॉस्पिटल से कॉल आता है जो कि उसे उसके फादर के बारे में बताते हैं, तो इसीलिए बेथ अपनी फ्रेंड स्टेला को लेकर हॉस्पिटल जाती है। सबसे पहले बेथ हॉस्पिटल के डॉक्टर कैरल से मिलती है जो कि उससे मेडिसिन के बारे में पूछती है। बेथ उनसे झूठ बोलती है कि वो सारी मेडिसिन ले रही है। डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि उस टाउन में सबसे पहले बेथ की माँ इन्फेक्ट हुई थी, और ऐसा क्यों हुआ था ये उनको आज तक नहीं पता चला है। फिर इसके बाद में डॉक्टर उन्हें इन्फेक्टेड आदमी के पास में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ उसे जो इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है वो उसके फादर थे ही नहीं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो इन्फेक्टेड आदमी बेथ को देखकर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था। फिर बेथ एक पब्लिक स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर उसे टॉम नाम का एक लड़का मिलता है। दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। फिर बेथ टॉम में पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है। बेथ जल्दी से कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम को इस बारे में बताती है। अब हॉस्पिटल की गाड़ी आने में कुछ समय लगने वाला था। बेथ तो उस आदमी के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड आदमी वहां से दूर जा रहा था। बेथ के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो उस इन्फेक्टेड आदमी का पीछा करने लग जाती है। जब वो आदमी बेथ को देखता है तो अग्रेसिवली बेथ के पास में आता है और बेथ को पकड़कर उसकी बॉडी से कुछ इनहेल करने लगता है। तभी वहां पर बेथ के फादर एरिक आते हैं जो कि बेथ को उस आदमी से बचाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तब तक वहां पर हॉस्पिटल के लोग आ चुके थे जो उस इन्फेक्टेड आदमी को पकड़ लेते हैं। बेथ वहां पर अपने फादर को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं। अब बेथ अपनी फ्रेंड स्टेला के बार में जाती है जहाँ पर उससे मिलने के लिए टॉम आता है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और टॉम बेथ से मेडिसिन के बारे में पूछता है। बेथ टॉम को कुछ भी झूठ नहीं बोलती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो गवर्नमेंट की दी कोई भी मेडिसिन को नहीं लेती है।
उसकी माँ भी उसी मेडिसिन को ले रही थी, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड होकर मारी गई। अब कुछ देर तक बात करने के बाद टॉम बेथ को अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब बेथ नींद में थी तो उसे फिर से वही सपना आता है कि उसकी हमशक्ल लड़की टॉम की बॉडी से कुछ इनहेल कर रही है, और इस सपने से डरकर बेथ उठ जाती है। और तब टॉम बेड पर बैठा हुआ था, जो कि तोबिता की तरह अजीब बिहेव कर रहा था। वो बेथ पर अब पहले की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, और वो उसे अपने घर से चला जाने को कहती है। इस बात से बेथ को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि टॉम ने उससे बस सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसका यूज किया है, तो इसलिए वो नाराज होकर टॉम के घर से चली जाती है। टॉम के घर से निकलने के बाद में बेथ को ब्रूनो मिलता है, जो कि स्नो को साफ कर रहा था। ब्रूनो बेथ को अपने साथ चलने को कहता है, ताकि दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर पाए। वहां पर लोग दिन ब दिन कम होते जा रहे थे, तो इसलिए बेथ और ब्रूनो की तरह सभी लोग कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे। बेथ फिलहाल के लिए तो ब्रूनो के साथ में जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो फिर से उसे मिलने का प्रॉमिस करती है। फिर वहां से जब बेथ पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है, तो एक घर के सामने उसे कोई पर्सन नजर आता है, जो कि उसके फादर एरिक जैसा दिखाई देता है। लेकिन जब तक वो उस घर तक जाती, वहां से वो पर्सन जा चुका था। उसी समय बेथ को उसके फ्रेंड स्टेला का कॉल आता है, और वो उसके पास में चली आती है। स्टेला से मिलने के बाद में बेथ उसे अपने साथ में पेट्रोलिंग में चलने को कहती है, और स्टेला को इन काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बेथ के जिद करने पर वो उसके साथ में जाने के लिए मान जाती है। फिर रास्ते में बेथ स्टेला से कहती है कि इस कॉलोनी के सभी घर खाली है, और अगर वो चाहे तो उन घरों के अंदर जाकर वहां की चीजें देख सकते हैं। स्टेला को ऐसे किसी भी घर के अंदर नहीं जाना था, और वहां पर अगर उन्हें कोई इन्फेक्टेड मिल गया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। लेकिन बेथ उसे बार बार इस चीज के लिए जिद कर रही थी, तो इसीलिए वो बेथ के साथ में इस घर के अंदर चली आती है। और ये वही घर था जहाँ पर बेथ ने अपने पिता को देखा था, मतलब कि बेथ अपने पिता को ढूंढने के लिए इस घर में आई थी। वह अकेले मुसीबत में पड़ सकती थी, तो इसलिए वो स्टेला को अपने साथ में लेकर आई। घर के अंदर जाने पर स्टेला वहां की चीजों को देख रही थी, लेकिन बेथ घर के दूसरे रूम में जाकर अपने पिता को ढूंढने लगती है, और एक जगह पर उसे एक स्लीपिंग बैग दिखाई देता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता इस घर में मौजूद थे। फिर अचानक उसे स्टेला की आवाज सुनाई देती है, और वो उसके पास में आती है। तब दोनों देखते हैं कि उनकी कार के पास में बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन आ चुके थे, और उनकी कार पर हमला कर रहे थे, और वहां से वापस जाने के लिए उनके पास में बस कार ही एक ऑप्शन था। दोनों ने अपने फोन भी कार में छोड़ गए थे, तो इसलिए दोनों पुलिस को कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, और मेन डोर के अलावा घर में कोई दूसरा डोर भी नहीं था जिससे कि दोनों भाग सके। स्टेला बहुत परेशान हो रही थी, तो इसलिए बेथ उसे बता देती है कि उसने यहाँ पर अपने पिता को देखा था, और इसलिए वो स्टेला को लेकर यहाँ पर आई थी। लेकिन अब वो अपने फ्रेंड को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी, तो इसलिए बेथ पहले घर से बाहर निकलकर वो इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान भटकाती है। सभी इन्फेक्टेड लोग जब उसके पीछे आते हैं, तब मौका देखकर स्टेला घर से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है, और यूटर्न लेकर बेथ को कार में बिठा लेती है। और तब कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बेथ को नहीं पकड़ पाता है। फिर उसके बारे में बेथ स्टेला से माफी मांगती है उसे यहाँ पर लाने के लिए। बेथ के मुताबिक उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी इस टाउन में हो रहा है, इसके बारे में उसके पिता को कुछ ना कुछ जरूर पता है, और इसलिए उसे अपने पिता को ढूंढना है। फिर स्टेला को बार में छोड़ने के बाद वो टॉम से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जब वो घर से निकली थी तो टॉम जिस पोजीशन में था वो उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब कि टॉम भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। बेथ को देखते टॉम रिएक्ट करने लगता है और उसकी तरफ आने लगता है। तब बेथ उस घर से निकल कर पुलिस को कॉल करके टॉम के बारे में बताती है। फिर कुछ ही देर में हॉस्पिटल के लोग आकर टॉम को अपने साथ में ले जाते हैं। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद बेथ अपने घर पर जाने वाली थी, लेकिन उसकी कार स्नो में फंस गई थी, और अकेले वो कार को उस बर्फ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और तभी वहां पर ब्रूनो आता है, जो कि स्नो को उसकी कार से निकालने में उसकी हेल्प करता है। बेथ को उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है, और वो उसे किस करती है। फिर इसके बाद बेथ ब्रूनो को अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होते हैं। और उस रात को जब दोनों सो रहे थे, तो बेथ को फिर से वही सपना आता है कि उसकी हमशक्ल लड़की ब्रूनो की बॉडी से कुछ इनहेल कर रही है। लेकिन इस बार ब्रूनो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और इसीलिए वो उल्टा बेथ का गला दबाकर उसकी बॉडी से किसी चीज को इनहेल करने लगता है, जिससे कि बेथ को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तभी उसके पिता वहां पर आकर ब्रूनो की बॉडी से उसी चीज को इनहेल करते हैं, और तब जाकर बेथ नॉर्मल होती है। उसके फादर एरिक बेथ को ये सब काम करना बंद करने को कहते हैं, क्योंकि जो चीज वो लोगों की बॉडी से ले रही थी, वो चीज ये इन्फेक्टेड लोग उससे वापस लेकर आएंगे, और तब बेथ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। बेथ की आंखें खुलती है तो देखते हैं कि वहां पर ना उसके पिता है, ना ही वो उसकी हमशक्ल लड़की, और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था। लेकिन वो अब समझ चुकी थी कि ब्रूनो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, और इसलिए पुलिस को कॉल करके ब्रूनो के बारे में बताती है। पुलिस को भी ये बात अजीब लग रही थी कि जिसके साथ भी वो होती है वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। हॉस्पिटल की कोई भी कार फ्री नहीं थी, और इससे पहले कि ब्रूनो बेथ के ऊपर अटैक करे, उसे खुद ही ब्रूनो को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में बेथ एक बात नोटिस करती है कि वो जिन भी लोगों के साथ में इंटीमेट हुई है, वे सभी इन्फेक्टेड होकर उस हॉस्पिटल में बंद है, और डे बाय डे सभी बहुत ही अजीब दिखने लगे थे।
जैसे कि कोई चीज उन्हें अंदर से खा रही हो। तोबिता बेथ को देखकर इतना ज्यादा हाइपर हो गई थी कि वो ग्लास तोड़कर रूम के बाहर आ जाती है और बेथ को पकड़ लेती है। बेथ को बचाने के लिए डेनिस तोबिता को पकड़ लेता है, लेकिन तोबिता बहुत ही अग्रेसिव हो चुकी थी तो इसलिए डेनिस उसे सिडेटिव नहीं दे पा रहा था। और तब मौका देखकर बेथ तोबिता को सिडेटिव का इंजेक्शन दे देती है और तोबिता बेहोश हो जाती है। इन सब टेंशन से दूर रहने के लिए बेथ स्टेला के साथ में स्विमिंग करने जाती है और हम वहां पर बहुत ही कम लोगों को देखते हैं, मतलब कि दिन ब दिन सिटी में इन्फेक्टेड लोग बढ़ते जा रहे थे। स्टेला बेथ को मेडिसिन लेने को कहती है, नहीं तो बेथ अपने साथ से दूसरे लोगों को भी मुसीबत में डाल सकती है। और बेथ को भी समझ आ चुका था कि उसी की वजह से लोग किसी तरह इन्फेक्टेड हो रहे थे। ऊपर से बेथ को अपने सपनों का कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद दोनों जब एक रूम में रेस्ट कर रहे थे तब दोनों को कुछ ही देर में नींद आ जाती है और तब बेथ को ये सपना आता है कि उसकी हमशक्ल स्टेला की बॉडी से किसी चीज को इनहेल कर रही थी। लेकिन ज्यादा कुछ होने से पहले ही वापस डेनिस आता है और इंजेक्शन देकर बेथ को बेहोश कर देता है। अब रियलिटी में बेथ जब नींद से उठती है तो डेनिस उसके पास आता है और उसके साथ बातें करता है। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था इस वजह से डेनिस को जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस समय पर डेनिस इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान नहीं रख रहा था। डेनिस इस बात से परेशान था कि इन्फेक्टेड लोग बेथ के पास ही क्यों रहते हैं और उसे देखकर हाइपर क्यों हो जाते हैं। बेथ को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि लोग उसी की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन उनके इन्फेक्टेड होने से पहले बेथ उन लोगों के साथ में इंटीमेट हुई थी। साथ ही जो भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो बेथ को कोई ना कोई सपना जरूर आता है और तब उसके पास में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है और ये सिर्फ बेथ की कॉलोनी में होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेथ के फादर एक इलेक्ट्रिशियन थे और किसी भी इलेक्ट्रिक चीज से वो इन्फेक्टेड लोग डरते थे। फिर कुछ देर के बाद में डेनिस वहां से चला जाता है और स्टेला कुछ देर के लिए बेथ के घर ही रुक जाती है। अब हम स्टेला को बाथरूम में देखते हैं और बेथ दूसरे रूम में सो रही थी। तब फिर से बेथ को वही सपना आता है कि उसकी हमशक्ल स्टेला की बॉडी से किसी चीज को इनहेल कर रही थी। बेथ जाकर अपनी हमशक्ल को रोकती है जो कि उसे धक्का मारकर फ्लोर पर गिरा देती है और हम देखते हैं कि ग्लास में बेथ का फेस किसी बूढ़े इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। अब फाइनली बेथ अपने सपने से बाहर आती है, लेकिन जब तक वो बाथरूम में जाती है वहां से स्टेला जा चुकी थी और वो स्टेला को हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। बेथ फिर बार में जाकर स्टेला को ढूंढती है पर स्टेला वहां भी नहीं थी। ऊपर से बार के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और बेथ वहां से भागकर हॉस्पिटल आती है। बेथ के आते ही वहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो रहा था और इन्फेक्टेड लोग उसे देखकर हाइपर हो रहे थे। डॉक्टर बेथ को वहां पर आने से मना करता है और डॉक्टर बेथ को इन सब का जिम्मेदार मान रहा था। बेथ तब स्टेला को ढूंढने के लिए डॉक्टर से हेल्प मांगती है और तब डॉक्टर बेथ के साथ में स्टेला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उनको एम्बुलेंस नजर आती है जहाँ के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और उसके बाद बेथ उसी पब्लिक स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर वो स्टेला के साथ में जाती थी। तब वो डॉक्टर कार में वेट कर रही बेथ का वेट करता है और उसी समय हम ये देखते हैं कि स्टेला कार के बैक साइड में बैठी हुई है। उसे देखकर डॉक्टर कार से निकलता है, लेकिन स्टेला कार से कुचलकर डॉक्टर को जान से मार डालती है। इधर बेथ जब अंदर थी तो उसे वहां पर डेनिस मिलता है जो कि बेथ को मारने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि बेथ के मरने के बाद में सभी लोग नॉर्मल हो जाएंगे और सूरज फिर से निकल जाएगा। डेनिस तो स्टेला को जान से मारने वाला था, लेकिन किसी तरह बेथ एक ग्लास के टुकड़े से डेनिस पर वार करती है जिससे कि डेनिस जख्मी हो जाता है और वो बेथ का पीछा नहीं कर पाता है। उस घर से बाहर आने के बाद में बेथ डॉक्टर की डेड बॉडी को देखती है और उसकी कार स्टेला लेकर जा चुकी थी। वहां से स्टेला हॉस्पिटल जाकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकालती है और सभी लोग अब बेथ के पीछे पड़ चुके थे। उसी समय बेथ को आइडिया आता है कि वो ब्लिंक हो रही लैंप पोस्ट का पीछा करके अपने फादर तक जाती है, क्योंकि उसके फादर ही उनके जरिए उसको सिग्नल देकर अपने पास में बुला रहे थे। उसके फादर उस लैंप पोस्ट के नीचे अंडरग्राउंड में थे जिस लैंप पोस्ट को बेथ अपने सपने में देखा करती थी। तब जाकर बेथ को पता चलता है कि वो और उसके पिता एक क्रिएचर की तरह है। ऐसे तो वे लोग किसी नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, लेकिन उन्हें सन से या फिर ह्यूमन से एनर्जी मिलती थी जिससे कि वो सालों से जिंदा रहते थे। लेकिन जब से सन नहीं निकला था तो वो लोगों के अंदर से इनहेल करके उनकी एनर्जी को अपने अंदर लेते थे। इस वजह से नॉर्मल लोग इन्फेक्टेड होकर बूढ़े हो जाते हैं और उनकी एनर्जी से स्टेला और उसके पिता जिंदा रहते थे। बेथ के पिता ने उसकी माँ को भी एनर्जी के कारण इन्फेक्टेड कर दिया जिससे कि वो मारी गई, क्योंकि उसकी माँ एक नॉर्मल ह्यूमन थी। और तब से बेथ के पिता लोगों से दूर अंडरग्राउंड रहते थे। अपने आसपास उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को रखा हुआ था जिससे कि इन्फेक्टेड लोगों को उनके बारे में नहीं पता चले, लेकिन इन्फेक्टेड लोग अपनी एनर्जी उनसे वापस लेने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। और ये सब जानकर बेथ को बहुत बुरा लगता है, मतलब कि जिसको वो सपना मान रही थी वो सपना नहीं बल्कि रियलिटी था और रियलिटी में उसने लोगों की एनर्जी उनसे छीन ली थी। ये सब जानकर बेथ इन्फेक्टेड लोगों को अपने पीछे लगाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाती है और खुद को इन्फेक्टेड लोगों के सामने सौंप देती है। और तब एक एक करके सभी इन्फेक्टेड लोग अपनी एनर्जी को बेथ की बॉडी से वापस इनहेल करके अपनी बॉडी में ले लेते हैं। वे सभी लोग जिनकी एनर्जी बेथ ने ली थी अपनी एनर्जी फिर से पाने के बारे में नॉर्मल होने लगे थे, लेकिन बेथ यहाँ पर अपनी एनर्जी खोने के कारण अपनी एज खोती जा रही थी
और वो अब एक बुरी इंसान की तरह नजर आ रही थी और इसी के साथ में ये मूवी यह प्रेंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बेथ के ऊपर है जो कि दिखाई तो एक नॉर्मल इंसान की जैसी पड़ती है लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए या तो सन से या फिर इंसानों से एनर्जी चाहिए होती है। अब नॉर्थ पोल के आसपास वाली सिटीज में 6 महीने सूरज रहता है और 6 महीने धूप। जिस सिटी में बेथ रह रही थी वहां पर कई समय से सूरज नहीं निकला था तो इसलिए बेथ अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए लोगों की एनर्जी को इनहेल कर रही थी। पर मूवी के एंड में जब बेथ को पता चलता है कि लोगों के इन्फेक्टेड होने का कारण वही है तो खुद को उन लोगों को सौंप देती है। उन लोग अपनी एनर्जी वापस बेथ से ले लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।